नमस्कार, इन खबर में आप सभी का स्वागत है। जितेंद्र शिंदे नाम की मुंबई पुलिस के कांस्टेबल साल 2021 तक अमिताभ बच्चन की सुरक्षा में बॉडीगार्ड के तौर पर लगे हुए थे। मंगलवार को उन्हें सस्पेंशन का ऑर्डर मिल गया है। इससे पहले जितेंद्र मुंबई पुलिस में प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे। इस डिपार्टमेंट में साल 2015 से 2021 तक अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड के तौर पर पोस्टेड थे। इसके बाद उन्हें डीबी मार्ग पुलिस थाने में पोस्टिंग मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिंदे ने अपने सीनियर अधिकारियों को बगैर बताए 4 बार सिंगापुर और दुबई की यात्रा की थी। नियमों के मुताबिक अगर वह देश से बाहर सफर करते हैं तो उन्हें अपने सीनियर अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए थी। जितेंद्र शिंदे ने अपनी पत्नी के नाम पर यह कहकर भी सिक्योरिटी एजेंसी बनाई थी कि वह अमिताभ बच्चन को सुरक्षा देते हैं। इस सिक्योरिटी एजेंसी का सारा पैसा उनकी पत्नी के बजाय शिंदे के अकाउंट में ही जा रहा था। यह भी पता चला है कि जितेंद्र शिंदे ने बिना खुलासा किए काफी संपत्तियां भी खरीदी हैं। जितेंद्र को निलंबित किए जाने के बाद पुलिस कमिश्नर ने उनके खिलाफ एक जांच समिति का गठन कर दिया है, जिसे मुंबई पुलिस के एडिशनल कमिश्नर दिलीप सावंत हेड कर रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।